हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हो रहा है सुबह का, ये टाइम 9 बज रहे हैं। मैं अपने किचन में ही हूँ, अपना नाश्ता वगैरह बना रही हूँ। तो जैसे आप देख रहे हैं, मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं नाश्ते में। तो ये कल के ही ब्रेड रखे हुए थे, एक पैकेट आ जाता है तो उसी में से मैं हाफ़ अपना 2 दिन चला लेती हूँ, हाफ हाफ करके, क्योंकि रोज़ रोज़ बाहर निकलने नहीं दिया जाता है। तो अपना इसी को मैं सैंडविच बना रही हूँ, तो अपना नाश्ता इसी से कर लेंगे हम लोग। ये चाय भी बन रही है एक साइड, तो मैं ये देख रही हूँ कि इसी तरीके से अपना जो बैटर बचा हुआ था ये आलू का, उसी से मैंने बना लिया है। घर में कुछ भी है इस टाइम तो जो भी रखा हुआ होता, बची हुई सब्ज़ी रात की, मैं उसको भी ब्रेड के अंदर भर के ऐसे ही सैंडविच बना देती हूँ। तो आज तो कुछ था नहीं, तो मैंने ही आलू का जो चटनी होती है ये, तो मैं इसी को बना दिया है। चाय मेरी बन चुकी है, तो अब चाय पीने की तैयारी की जा रही है। सुबह का टाइम है, 9 बज रहे हैं, तो सुबह सुबह उठ के चाय ज़रूर चाहिए। तो चाय बन चुकी है, ये मैं लेकर जा रही हूँ अपना अंदर, रूम में ही चाय पी जाएगी। तो आ जाइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। जो मैंने सैंडविच के स्लाइस बनाए थे उनको मैं बीच में से हाफ कर रही थी, तो ये लोग मेरा बर्थडे मना रहे थे, तो बोल रहे थे दोनों के दोनों हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, मेरा मजाक बना रहे थे। ये रात की रोटी भी रखी थी तो मैंने उसको सेक लिया था। हम लोग चाय पी रहे हैं, आ जाइए सब लोग चाय पी लीजिए। और ज़्यादा कुछ है नहीं, बस पापे हैं, फैन है। ये नाश्ता हो चुका था, तो अब दोपहर का टाइम हो रहा है। गाइस, यहाँ हम लोग थोड़ा फ्री टाइम था तो बैठकर बातें बातें चल रही हैं, हंसी मजाक चल रही है। इस टाइम हमारे घर में पढ़ाई के लिए महाभारत हो रही है। ये बीच में हम दोनों अम्मा बेटी बैठी हुई हैं, दोनों साइड में ये बैठे हुए हैं। तो ये देखिए, एक इधर से बोल रहा है, एक इधर से बोल रहा है, और हम बीच में इनकी बातें सुन रहे हैं। देखिए, हमारे घर में कॉमेडी चल रहा है, टाइम पास चल रहा है इस टाइम। तो आजकल तो टाइम ही नहीं कट रहा है। ये ईशा देखिए मुझे क्या बना रही है, बस ऐसे ही छोटी छोटी बातें करके अपना टाइम पास करते रहते हैं, कुछ हो नहीं रहा है। और यहाँ अब शाम का टाइम हो चुका है, शाम 5 बज रहे हैं शायद, जी 5 बज रहे हैं। और मैं अपना शाम की खाने की तैयारी कर रही हूँ, अपना आलू उबाले थे तो मैंने इन्हीं का सोचा, कुछ सब्जी वगैरह क्या बनाऊँगी तो दिमाग में नहीं आ रहा था, मैंने सोचा कि चलो पहले उबाल लें उसके बाद सोचा जाएगा। तो अब इन लोगों का प्लान बन गया कि आलू के पराठे बनाए जाएंगे, तो अब उसी की तैयारी चल रही है, बस आलू के पराठे बनाएंगे। ये मेरी हेल्प कर रहे हैं, देखिए ईशा भी आ गई है। घर में अब जो भी लोग हैं उनका टाइम पास नहीं हो रहा, इसी तरीके से काम ढूंढ रहे हैं कि क्या किया जाए। तो हम लोग तो अपना लग गए हैं शाम की खाने की तैयारी में। और ये मैं ईशा को समझा रही हूँ पढ़ाई के लिए, क्योंकि इनकी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है इस टाइम, बहुत ज़्यादा होमवर्क आ रहा है, तो इनको बोला जा रहा है कि अपने काम पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ हमारे आलू छील चुके हैं और अब इनका बैटर बनाने की तैयारी की जाएगी। मैं अपना प्याज वगैरह काट रही हूँ इसमें आलू में मिक्स करने के लिए। तो मैंने 2 प्याज ली थी, उसमें से मैंने 1.5 प्याज को काट के इसमें मिक्स कर दूँगी। और ये अपना मिर्च मसाला मैंने रखा हुआ एक प्लेट में। किचन में मैं इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरी लाइट ख़राब हो चुकी है किचन में, छोटा सा बल्ब लगा हुआ है वहाँ पे, दिखता नहीं है, वहाँ परेशानी हो जाती है मुझे। और यहाँ मैं अपना प्याज वगैरह डाल रही हूँ, बड़ी सी मैंने परात ले ली है, उसमें ही नमक मिर्च अपना जो भी मिर्च मसाला डालना होता है, तो मैंने मिर्ची डाल दी हैं। और ये अमचूर है, ये मिर्च है, अपने सबको पता है कि अपने हिसाब से ही डालते हैं मिर्च मसाला, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डाला जाता है, तो इसमें बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है। नमक वगैरह जो भी डालते हैं अपने स्वाद के अनुसार डाल लेना। तो हम अपने जैसा हम लोग खाते हैं वैसा हम लोग डाल रहे हैं, ये सबको आता है, इसको तो बताने की ज़रूरत है नहीं किसी को। बस ये है कि हम लोग बना रहे हैं तो थोड़ा सा दिखा देते हैं बस,
और ये एक आधी प्याज बचा ली थी मैंने, तो मैं इसका जो बैटर है उसको फ्राई करूँगी, थोड़ा सा हल्का सा ही करूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। तो आप देखिए इसको मैं किस तरीके से कर रही हूँ। यहाँ मैंने तेल डाल दिया है कढ़ाई में और इसमें मैं अपना ये बैटर डालूँगी। पहले मैं ज़ीरा डालूँगी फिर प्याज डालूँगी, ये देखिए। तो जब जीरा चटक जाएगा तो उसमें हल्का सा फिर प्याज डाल दिया है मैंने, इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ही ब्राउन करना है। और ये हल्की सी ब्राउन हो चुकी है, तो यहाँ मैं अपने साथ में पेड़े भी बना रही हूँ छोटे छोटे, क्योंकि सुबह का आटा था, ताज़ा आटा होता है तो एक सिंगल ही परांठा बन जाता है सिंगल आटे का, तो मैं डबल का ही बनाऊँगी। और यहाँ मेरी आलू की चटनी जो थी मैंने बनाई थी, वो उसमें डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और जब ये ठंडी हो जाएगी उसके बाद मैं इसको 15-20 मिनट के लिए फ़ैन के नीचे ही रख दूँगी रूम में। तो ये बन चुकी है देखिए, और इसको ठंडा होने के बाद फिर मैं अपना पराठे बनाने की तैयारी कर लूँगी। तो मैं अपना एक डब्बा जो भी बाउल है उसमें लेके इसको मैंने रख दिया था। अब ये मैं पराठे बना रही हूँ यहाँ पे जैसे भी हैं, तो ये दो तवे वाले ही पराठे बना रही हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि सिंगल के इसलिए नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि ये सुबह का आटा था, सुबह में आटा गूंद लिया था मैंने। तो इस तरीके से मेरे अब ये पराठे बन रहे हैं। और दही का मैं अपना रायता वगैरह बना लूँगी इनके साथ, और अचार वगैरह है तो उसी से हम खा लेंगे इनको। पुदीने की चटनी भी मैंने बनाई है इसके साथ, तो ये सब कुछ चल जाता है आलू के पराठे के साथ, जब कुछ घर में ना हो बनाने के लिए तो इस तरीके से बन जाता है। ये कल का वीडियो है तो इसका मैंने एंड नहीं किया था, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। तो हम नाश्ता वगैरह से सबसे निमट चुकी हूँ और सफाई भी हो गई, झाड़ू पोछा भी हो गया है। तो ये कोई नहीं, ये वाला वीडियो का एंड करते हैं, बातें तो ख़त्म होती ही नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।